मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। Millions of people trust EaseMyTrip to book flights. Download the EaseMyTrip app now. लंदन दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक, यहाँ पे दुनिया भर के तमाम लोग रहते हैं, उनमें से कुछ हिंदुस्तानी भी हैं। जी गुरुजी। सबसे पहले यजमान निमंत्रण कार्ड अपना कुल देवी के चढ़ा दे, फिर स्थान देवता के। ठीक बा, हम राव दक्षिणा ट्रांसफर कर देता नहीं। अरे दक्षिणा कहीं भागे जाता बेटा। गुरु जी, देश बदलना से विचार ना बदले के चाहिए, अब भेष बदलना से संस्कार ना बदले के चाहिए। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ये है शशि बाबू लंदन वाले, इस घर के मालिक। परसों से रहते तो ये लंदन में है, लेकिन इनके दिल में आज भी हिंदुस्तान बसता है। और ये है नंदू जी। ना ना ना, इन्हें नौकर समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। नंदू जी। जी साहब जी। बम्बू बनकर काहे खड़ा हो गई ला? हम का कोनो टेंट है? ना साहब जी, रउआ तो इंटेलिजेंट है। ना तू हमार देवर, ना हम तोहार भाव जाई, तो फिर रास्ता काहे रोकाइल? पैंट उतारी। नंगा करबा का? बिना धोती और पोती के कोनो काम के शुरुआत ना होला। It happens only in India. फुल पैंट से काम ना चली? काहे कि देश बदलला से विचार न बदले के चाहिए और भेष बदलला से संस्कार न बदले के चाहिए। It happens only in India. मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं? मैडम जी को बुलाऊं? नहीं मैडम जी। अरे नंदू जी। मैडम जी। नंदू जी। मैडम जी। नंदू जी। मैडम जी। अरे मैडम जी जल्दी आई, साहब जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई बाड़े। कहाँ भेल नंदू जी? अरे धोती नी के पहने तारे। कहाँ जी, कहाँ इतना बच्चनियन भागता नहीं? अरे धोती है ना पहने, कहा था कौनो लहंगा पहने, कहा था
नंदू जी। जी मैडम। धोती पहनाई। ऑपरेशन धोती स्टार्ट। ना नंदू जी, ना नंदू जी, अरे नंदू जी गुदगुदी हो रहल बा। कंट्रोल कर साहब। काजी ऐसन का करत है, जैसे लगातार चीर हरण हो रहल बा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की, महाभारत। पहला नेवत वाकुल देवी जी के भेजिले, आवन के जग देखन के हो सगुनवा भैले राम जी के, आवन के जी सगुनवा भैले राम जी के। ले ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आजा नंदू। वो दिन वो जन देखले रहनी ना उभे ले। प्रणाम पिताजी। खुश रह बेटा। बोल लगता नहीं माई। आवे बेटा नाश्ता कर। आवा। ना माई हम रेस्टोरेंट में करब। इतना भोरे भोरे कहाँ? अरे लंदन के सड़क पे घूमी फिरी मौज मस्ती करी और का। ज्यादा ना होता। केकर फोन बा? रेस्टोरेंट से बा। अच्छा, जितना काम बा तुरंत ही फिनिश कहला, ओकरे बाद हल्दी लगी तो बाहरे ना निकले की मिली। जा जी। नंदू जी। तू जी साहब जी रोटी। ओके। हेलो जस्सी, आई वाज एट होम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट शाउट, प्लीज लिसन टू मी, आई विल मैनेज एवरीथिंग, डोंट वरी। ओके बाय, सी यू। ए जी देखब एक को मेहमान छूटे के ना चाहिए। अरे ऐसे कैसे छूट जाए श्रीमती जी, हा? अरे बेटा के ब्याह कर रहल बानी, देखब एक एक हिंदुस्तानी के बुलाए और ऐसा स्वागत करब कि लोग कही है हा? कि लंदन में ब्याह भइल है कोनो हिंदुस्तानी परिवार के, शशि बाबू के परिवार के। अरे बड़े अरमान से ब्याह कर रहल बानी भाई। बस खाली अपन अरमान पूरा करब कि भाभी के मुँह दिखाई देवे खातिर कुछ गिफ्ट ले ले बानी। अरे बेटा इतना हैंडसम बेटा दे रहल बानी, ओकरा से बढ़ के कोनो गिफ्ट बा का? माई से पूछा ई का दे रहल बानी। अरे हम का दे, ओहे दे जोन हमरे सास दे गेल बानी, आपन नौलखा हार। वाह। नंदू बाबू। जी साहब जी। तू का दे रहल बड़ा? साहब जी अरमान ता इतना बा, इतना बा, इतना बा। कितना बा? वो तो हम समय आए तभी बताए। अरे सब अजय भैया पे मत खत्म कर दे, हम हूँ तो बानी। पॉइंट टू बी नोटेड सर जी। ये घर में दो गो बेटा बेटी और ही हुए, खास कर हमारी इक्की थी। और ये घर के सुपर स्टार द ग्रेट विजय भैया। एक एक कर नाम ले लेला नंदू जी, जेकरा नई घर के खुशी अन हमने के अरमान के कोनो परवाह बा। एगो बेटा राम बा तो दोसर में काम बा। दे दिया की केकरा खातिर? वही अपन सुपरस्टार विजय भैया के, ओकरो तो पता चले के चाही कि ओकर घर में बड़ भाई के बियाह हो रहल बा। अरे लेकिन विजय भैया मिली है कहाँ? कॉकटेल प्लीज। किल अ मशीन।
होगा, प्लीज एंजॉय। What happened? क्या हुआ? शराब से ज्यादा नशा तो तुम में है। Come on. What? I think you should leave now. Cool, cool. इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। It is very simple. आप agree नहीं है तो नहीं है। Okay. I am Vijay. I'm Olivia. Nice to meet you. How are you doing? Good. Oh my God, this is my favorite song. Mine too. Let's dance. Chal. This is very crowded. Can we go somewhere else? के कैसे समझाएं कि आज हम कहां भेजी बानी? Not today. Next time, dear. Bye.
नंदू जी। जी भैया जी। सब कोई सो गया ना? सब तो सो गए हैं, लेकिन हमें भी सोना है। सोना है ना? या। सोना है, सोना है कि कोरोना है? लेकिन ये कौन से नंबर की सोना है? 11 नंबर। 11 नंबर। देन गो टू द बोट के अंदर। या। गो। थैंक्स। रुको बेटा, गुड मॉर्निंग वर्मा जी। गुड मॉर्निंग शशि बाबू, कैसे हैं? कहाँ थे दो दिन से? अरे क्या बताएं सर, बड़ा बेटा के शादी में इतना व्यस्त हूँ कि कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अरे बेटा, अंकल को कार्ड दे दो। अंकल लीजिए, शादी का कार्ड। शादी में जरूर आइएगा, एंड विद योर फैमिली। शशि बाबू, शादी में देसी तड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे सर, अरमान तो इतना है कि बेटा के शादी में ऐसा धूमधाम से तड़का लगाएं कि पूरा लंदन को हिंदुस्तान के रंग में रंग दे। अरे आप आइए तो सही, जिंदगी भर शशि बाबू के बेटा के ब्याह को नहीं भूलिएगा। शशि बाबू आप ग्रेट हैं। थैंक यू, पक्का आइएगा। चलो बेटा, और भी जगह कार्ड बांटना है। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम वेलकम ब्यूटीफुल लेडी। Come on, young lady. Where's Vijay? Babe, last night was so good. What? Who are you? What are you talking about? Leave me. Wait, what? Where are you going? What are you talking about? अरे, ये क्यों कर रही है? ये होकुल चालू कर देलस। ये हमरा से बर्दाश्त ना हुई। अरे विजया, अरे विजया। बाबू। बाबूजी। अरे कहोगे? कहोगे? ये जी अरे पानी ला पानी ला। ओके, आई विल कॉल यू बैक। सही समय पे आ गई ला। हाँ, तोहरा से एगो काम रहे। अच्छा, बताओ। आधा घंटा खातिर रेस्तरा के संभाल लेना, हमके बहुत जरूरी काम बा। तो सिर्फ आधा घंटा? हाँ हाँ, खाली आधा घंटा। ठीक बा। Fine for now. Nothing. Definitely. That's okay. Absolutely fine. Thank you. No, no, no. Wow. My sexy. You are looking so beautiful. You're looking very handsome too. Let's take a selfie. Sure. Where are we going? Let's have some fun. Sorry. Next time. बैठा नंदू जी। जी भैया जी। हाउ इज द जोश? लो भैया जी। कहे काहे कि बड़े भैया की शादी के बाद तहरे नंबर बा, लेकिन तहरा इस सब हैबिट से बड़का साहब बड़ा दुखी रही ले। काहे नहीं कि छोड़ देती सब। नंदू जी। जी भैया जी। तो जहाँ तरह की सब हैबिट हम छोड़ दें? ऑफ कोर्स भैया जी, पूरा घर वाले यही चाहता रहे। तो तू दारू पिया? अच्छा, अगर हम ड्रिंक ले तब तो सुधर जाएगा। पिए वाला कबो झूठ ना बोले। ठीक बा, तदा ला। अब बस ना भैया जी, वादा कहला अब तो छोड़ दे बना। एक पैक दुश्मन पियला और ले। ठीक बा, तदा तहरा खातिर ही हो सही। इट्स ओके भैया जी। नो नो नो, वन मोर फॉर मी। यस, वन मोर, वन मोर। वन मोर। एक और दे। यस, वन मोर। ओके। यस, वन मोर। ओके फॉर मी। चीयर। नंदू। अरे नंदू।
तेरा बाप तेरे को बुला रहा है। मेरे को नहीं, तेरे को बुला रहा है बे। ओह ओके ओके, आई एम कमिंग। या कंटिन्यू। या या कंटिन्यू। सॉरी। अरे नंदू, अरे नंदुआ, अरे सरव कहाँ मर गई ले रे, गैस चल गई ला पानी ला। अरे पानी पीला नंदुआ। व्हाट व्हाट्स द प्रॉब्लम? अरे पानी पिलाना। शट अप, पानी पिलाना, अपने हाथ से पानी निकाल के पी नहीं सकते हाँ? और क्या बोल रहे थे, दिल फटा था? अरे दिन भर घर में बैठे रहोगे तो दिल नहीं फटेगा, गैस नहीं बनेगा तो क्या होगा हाँ? और रात दिन क्या नंदू 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 करते रहते हो? नंदू क्या मशीन है, जादूगर है हाँ? अरे नंदू शट अप, मैं तुम्हारा सर हूँ। आई एम सर। यू आर सर नहीं, आई एम द सर। सर डॉन ब्रैड मैन, यू आर नौकर। ओ मैडम इज कमिंग, यू हाइनेस। सॉरी यू हाइनेस, एनी प्रॉब्लम यू हाइनेस? सॉरी थोड़ी पी ली है मैंने, बट आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। एनीथिंग एल्स मैम, समथिंग ड्रिंक एंड? अरे पानी मुझे। शट अप शट अप यू इडियट। इडियट? रात दिन भजर 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 करता रहता, इतना भी तमीज नहीं? जब दो बड़े लोग बात करते हो तो छोटे आदमी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बड़े लोग? यू आर ए नौकर। मैं नौकर? सर्वेंट। सी इज अ क्वीन, द क्वीन ऑफ एलिजाबेथ, मास्टरपीस। सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, वेरी गुड गर्ल, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, वेरी गुड सैल्यूट। वतन की राह पे वतन के नौजवान शहीद हो, शहीद हो, शहीद। दहेज लेके किले वाली तारा के पहुनवा दहेज ले। नंदू जी, नंदू जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम जी। मैडम जी जी, फ्री एलिजाबेथ योर हाइनेस केबा। ना ना ना, हम नहीं खेजान, हम कभी ना मिले नहीं लोग से हाँ। अच्छा ला, ये कहा? ये नींबू पानी बा। नींबू पानी? लेकिन हम तो नींबू पानी कभी ना पिए नहीं। आज रवा की जरूरत बा, पीला खाओगे हम रखे। इतना देर सुतने कैसे रह गए, नहीं रात में कुछ गड़बड़ भइल रहेगा। नंदू जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय पिया तारा लोग? हाँ। के बनोला सी चाय? हम। अरे नंदू जी कहाँ? हम अपन गांव गोरखपुर जा रहल बानी। लेकिन अचानक से का भइल? हमरा पता चल गई, कल रात हमरा से कोनो न कोनो बदतमीजी जरूर भइल रहे। अरे यह से हम बहुत शर्मिंदा बानी, हम घर गोरखपुर जा रहल बानी। अरे ना नंदू जी, ऐसन कोनो बात नहीं खे। अरे रात गईल बात गईल। रात गईल बात गईल हाँ। अगर यह बात रही तो मैडम जी आज खुद किचन में घुस के चाय ना बनाती। आज मैडम जी किचन में घुस के चाय बना ली, कल नाश्ता बना ली है, फिर खाना, फिर हमार का जरूरत हुई घर में? हम तो हो गए नहीं ना पावरलेस, पावरलेस आदमी की कौन इज्जत होला का? अरे नंदू जी बाइल का भैया, अब ये घर में हमार कौन जरूरत नहीं की, हम घर चल जाए। देखा ना आज मैडम जी चाय बना ली ली। अच्छा हाँ। अरे यार की बना वाला है इतना बकवास चाय? मैडम जी। नंदू जी। जी भैया जी। आप बनाइए मेरे लिए चाय। चाय बनाई भैया जी? हाँ। आपके लिए? हाँ। एकदम मसालेदार, तुरंत लेके आवतन। लेकिन सुन ले लोग, ये पहला गलती समझ के माफ कर देता नहीं, अगर दोबारा आप गलती ना करब।
Baby, try to understand. I'm on the way, stuck in the traffic. I'm just coming. What coming? I've been waiting for half an hour. Yeah, I'm coming. Coming? अब कहाँ जाए के तैयारी बा बाबू? तोरा के बोल ले रहनी ना कि अब तोरा के कहीं ना जाए के बा। अरे आज से तो के हल्दी लगी। अरे मैं बहुत जरूरी काम बा। हम एक घंटा में आ जाए, एक घंटा में। अच्छा एक घंटा हाँ। अगर ना मन बा तो तोहर गोड़ हाथ बांध के दे दे। हम चला तानी। खुश रहा बेटा, खुश रहा। जल्दी आ जाइए बबुआ। ठीक बा। चली हरदी उर्दी कूटे के बा बहुत काम बा। आई आई डू बाय द अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन यू एज अ मिनिस्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट And by the laws of this land, pronounce you husband and wife, no longer two, but one by the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ajay, you may now kiss your bride. के ओकरे के तो हरदी लगी। My family. ये सब कहाँ है बेटा? बाबूजी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मैं मजबूर था। जस्सी प्रेग्नेंट हो गई थी बाबूजी। कहाँ भैया? यही सब करना था तो पहले बता देते। हम लोगों का तमाशा क्यों बनाए? तू क्या बोलता है बे? मैं तो शादी करके लाया हूँ, तू तो ऐसे ही लड़कियां घुमाता है। चुप। माँ, बहू का स्वागत नहीं करोगी? What happened? I'm not feeling well, okay? Why? Is there any problem? तुम फैमिली के साथ रहते हो? हाँ, फैमिली के साथ रहता हूँ। पर तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं। इसमें बताने की क्या बात है यार? Obviously इंसान है तो फैमिली के साथ ही रहेंगे। फैमिली? Is this a family? It looks like a zoo, man. सारे जानवर हैं। Oh God! You know you cheated on me, Ajay. I'm not comfortable. और मैं नहीं कर सकती एडजस्ट। ओह गॉड। ओके जान, फॉरगेट एवरीथिंग, इट्स ऑल राइट। जस्ट लीव मी अलोन, ओके? आई नीड सम टाइम। शशि बाबू, जो आपने मुझे इन्फॉर्म किया था क्या वो सही है? जी यस।
आप अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दीजिए। I am extremely sorry. What do you mean by extremely sorry? जिसकी बेटी की दो दिन बाद शादी होने वाली उसके पिता को आप बोलते हैं I am extremely sorry? Is that enough? No, but मेरे पास इस वर्ड के अलावा और कुछ भी नहीं है। Anyways, खैर वैसे भी लंदन में हाँ मैरिज डिस्प्यूट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट वी आर इंडियंस। लेकिन जब आपका अपना ही बेटा नॉनसेंस, बदतमीज और मैनरलेस हो तो संस्कारी बनने का ये झूठा नाटक क्यों? हिंदुस्तानी के नाम पर आप लोग कलंक हो, कलंक बेशरम। हेलो मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज, बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। जिस बाप का तुझ जैसा औलाद हो ना, उसे यही सब कुछ सुनना पड़ेगा। पहले उस लायक बनो, फिर बीच में बोलो। देखिए, मैं अपने बेटे के किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। ढोंगी कहीं के, चलो निकलो। देख ले लो, अभी यो दिन देखे के पड़ा था। समय आपके होके चले न जो, समय आपके होके चले न जो, प्यार दुलार माया भयल कमजोर, समय आप कहू के ऐसन बहल हवा सवारथ के आपन भयल बिगाना, साचो में सब लोगवा कहेला कि बदल गए बा जमाना, सबके के में बांध के राखे आज न कहो डो, समय पे कहू के। आपको एक बात पता है नंदू जी? जी साहब जी। हम इडियट हैं, नॉनसेंस है, हमारे अरमान हमारे बच्चे क्यों पूरा करेंगे? कैसी बात करते हैं साहब जी, माँ बाप के सपने बच्चे पूरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नंदू जी, अब कभी भी हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। कभी पूरा नहीं होंगे। बहू। यस बोलिए। हमारे यहां ना एक रस्म होता है, मुंह दिखाई का रस्म, वही रस्म अदा करने मैं आई हूं। ये मेरे तरफ से गिफ्ट है।
Is this a joke? It's so old fashioned. हाँ, थोड़ा पुराना है, क्योंकि मेरी सास मुझे दी है और उनकी सास उन्हें दी होंगी। तो आप एक काम कीजिए, इसे जाके ना ब्रिटिश म्यूजियम में रख दीजिए। बहू, ये सिर्फ गिफ्ट नहीं है, मेरा आशीर्वाद भी है। एक्सक्यूज मी, ये आपका आशीर्वाद ना किसी और के लिए सेफ रखिए, ओके? जिसे आप मामूली सा एक जेवर समझ के ठुकरा दी हैं, दरअसल ये हमारे खानदान की परंपरा है। घर की बहुएं इसे आशीर्वाद के रूप में संभाल के रखती हैं, लेकिन अफसोस, शायद आप उस लायक नहीं हैं। करे माई, ते हूं ना, बानर के हाथ में नरियर सो भेला, हाँ? जो रख दे। श्रीमती जी, हमनी के अरमान हमारे के साथ दफन हो जाए, पेड़ लगे नहीं बबूल के, ताम कहां से मिली? बच्चा लोगन के परवरिश लंदन में कहीं नहीं, और उम्मीद श्रवण कुमार के, शायद हमने गलत सपना देख ले रहनी। जाए जाए सो जाए। Bloody mind your business. Sorry, ma'am. Ajay, we are getting late. Pranam, Babuji. Ajay, हम चलते नहीं माई। कहाँ जाता रहा तू लोग? ये सूटकेस लेके? हनीमून पे जाता नहीं माई। Ajay, let's go. हम जाता नहीं। Yeah, I'll tell him. I'll be there. Yes, understand. Hey, babe, where what are you going? Doing? Hey, lay off. Come yeah, come on, we'll have some fun. Call the police, okay? Come on. What the? Back off, I said. All of you. Excuse me? Hey, what's your problem? Hey, what's the problem, Indian? Indian, who is liye bol raha hu. Ladki agar haan bole to okay. Agar na bole to no means no. Hey, tu hat na. Chal kaam kar apna. You idiot! Yeah, come on, let's go. Come on, yeah. Let's go. So cute. Give me coffee, please. Excuse me. Yes, this is my part-time work. मुझे तो believe ही नहीं हो रहा है कि वो उस दिन के लिए I'm sorry. Why sorry? गलती तो हमार रहे. Sorry, मैंने भोजपुरी बोला. नहीं, कोई बात नहीं. अब हम भी भोजपुरी समझीला. मैं भी बिहार से हूँ. लेकिन लंदन रहने से प्रैक्टिस नहीं है. Enjoy. Okay. Bye.
हेलो हेलो पापा तेरी पापा या पापा गुड आफ्टरनून हाँ हाँ आपने ली मेडिसिन और लंच या पापा लव यू टू सुनी जी केकर फोन रहा ला पापा का कहाँ बात है कुछ नहीं ऐसे ही मेडिसिन्स ली के नहीं खाना खाया के नहीं पापा तो हर बच्चा थोड़े ना बाढ़े हम भी बच्चे थोड़ी है फिर भी वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं अरे माई बाप के तो ये सब कामे है काम कौन सी किताब में लिखा है कि ये उनका काम है हम तो इतना टाइम वेस्ट करते हैं अननेसेसरी कॉल्स करके कॉल सेंटर वालों के साथ बात करके माँ बाप तो हमारे अपने होते हैं ना जरा सोचो उन्हें कितनी खुशी मिलती होगी हमारे सिर्फ एक कॉल से हेलो एक्सक्यूज मी मैं आई यू वांट समथिंग कैन आई हैव फाहीटास एंड कॉफी ओके नो मिल्क नो शुगर श्योर मैम थैंक यू ऑलराइट ओके फोन ना बता केकर फोन है विजय भैया का फोन है केकर विजय के हाँ वो लाइफ में पहली बार होई कोनो प्रॉब्लम चुप रहीं जी कहा बात बा बेटा फोन कहिले बाड़ा काहे हम फोन ना कर सकीला का अरे नहीं बेटा ये तो बहुत अच्छा बात बा अब बाबूजी एही जी बाड़े स्पीकर ऑन बा बोला बाबूजी खाना खाइले अरे बोली ना जी रवे से पूछा था बोली हाँ बेटा खाना खा लेनी अब बाबूजी दवाई बोल दी दवाई खा लेनी हाँ हाँ दवाइयो ले लेलन का बात बा भैया आज इतना चेंज लागत है आज कोनो मैजिक हो गइल बा बबुआ तू खाना खाइला अभी ले तब ना खाइली माई काहे लेकिन थोड़े देर में खा ले अरे हाँ हमरा के तब बिजबिया खातिर टिफिन ले जाए क्या ओके नंदू जी जी मैडम जी तू रह दा आज हम खाना लेके जाए जा टिफिन तैयार कर दा ओके मैडम जी Hey, what kind of service are you providing here? I've been waiting for over half an hour. Extremely sorry. You're... Sorry, sir. Don't argue with me. Don't argue with me. Excuse me, sir. आपके इतना डांटने से ना ही आपको satisfaction मिला होगा, ना ही आपकी भूख मिटी होगी. But ये हट जरूर हुई है, sir. We all are human beings. Pay respect, sir. Madam ji, I'm so sorry. मुझसे गलती हो गई. कोई बात नहीं. बेटा, ऐसी छोटी-छोटी बातों को mind नहीं करते. Be brave. Thank you, auntie. विजय कहाँ है? अच्छा. माई तू यहाँ? काहे तू हमनी के इतना ख्याल रखबा तो हमनी ना रखब खाना लिया अलबानी अच्छा ठीक बा रख दे हम खा ले तू जो ऐसे कैसे रख दे जब आयल बानी तो अपने हाथे से खिया के जाए Hi. Hey, hi. Living? Thank you. Thank Bye. You. Bye. मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है मैं घर जा रही हूँ चलो हम तो के छोड़ दी ओके मेरा फोन कहीं मिस हो गया है आप नंबर डायल करोगे नंबर बोला डबल फोर
3-2-1-9-6. बोले सुन लेता हूँ तुम जो ना कहते हो, दिल की तरह तुम मेरे सीने में रहते हो, तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग नंदू। नंदू। यस मैम। ओह यू आर अलाइव। मेरी बेटी कहाँ है? असल में इस घर में बेटी का रूल नहीं है मैम, कोई नहीं लेता, इसलिए मुझे लगा कि आप भी नहीं लेंगी।
इसीलिए ही बस चाय लेकर नहीं आया मैं। अब तुम मुझे बताओगे कि कौन कब और कहां चाय पियेंगे? नहीं नहीं मैम, मेरे कहने का मतलब। Now listen, you're just a bloody servant, okay? Let's just go and get me a cup of tea. Just go. Yes, yes, ma'am. Is this a family or what? एक सर्वेंट मुझे बताएगा क्या करना है मुझे? इतना इंटरफेरेंस। हर फैमिली के अपने रूल्स होते हैं यार। चाय ला रहा है ना तुम्हारे लिए। रिलैक्स। थैंक यू। मुझे चाय मिल रही है। मैम टी। नॉक करके कौन आएगा? सॉरी मैम। आइंदा नॉक करके आना। ओके मैम। ब्लडी बताती हूँ। नंदू, नंदू। जी मैम। कम हियर। ये क्या है? चाय बनाई है तुमने? पैसे लेते हो ना? पियो, पी के देखो। हमारे घर के कुत्ते भी ऐसे चाय नहीं पीते हैं। इडियट। एक्सक्यूज मी। सॉरी बोलिए। व्हाट? सॉरी बोलिए। सॉरी। एक नौकर को? नो, नेवर। विजय, ये क्या तरीका है? भाभी से इस तरह से बात किया जाता है? सॉरी भैया, बट इन्होंने नंदू के साथ बदतमीजी की है। सो व्हाट? नौकर है। जा, शट अप। दोबारा ये वर्ड बोलना नहीं। देख रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी सामने तुम्हारी पति की इंसल्ट हो रही है। मैं ये बेइज्जती ना एक पल भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापा, क्या हो रहा है हमारे घर में ये सब? ओके, अब मैं सब समझ गया। कम ऑन जस्सी, इस घर में हमें रहने की कोई जरूरत नहीं है। एजी, अरे, छोटी छोटी बातों से घर नहीं छोड़ते। रुक जा, अजय रुक जा बेटा, मत जा, मत जा। छोटी बात? जहाँ मेरा रेस्पेक्ट नहीं है ना, वहाँ मैं नहीं रह सकती। ओके, लेट्स गो अजय। अजी, अजय के रोक लेना जी, रोक लेना अजय के, रोक लेना जी, अजय, 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 अजय। एक मिनट। ये क्या है? खूबसूरती के कहीं नजर ना लगे। मुझे नजर लग भी गई तो तुम्हें क्या? हमारे पार्टनर की नजर लगी तो तकलीफ हुई ना? पार्टनर, पार्टनर फॉर लाइफ या पार्टनर फॉर नाइट? तू माई लव लेके मोबाइल में सेव कर लू, लेकिन हम अपने दिल में। का सोचा था रू? कुछ नहीं, हमारी शादी के बारे में। एमे सोचे ही काबा, अगर तुहार परमिशन होके तो हम अपने घर में बात करें। जब दिल में ऐड कर लिया है तो अपनी फैमिली में भी ऐड कर लो। May I have your attention, please? मेरी फैमिली के ग्रेट पर्सनालिटीज मम्मी एंड डियर पापा, ओवर टू नंदू जी। थैंक यू माय डियर सर जी एंड मैडम जी। का रवा लोग के नहीं खिलागत कि हमने क्या विजय भैया के शादी के बारे में भी सोचे के चाहिए? नंदू जी। जी सर जी। ए घर में ब्याह करे खातिर केहू के परमिशन लेवे के जरूरत नहीं है। जेकर मर्जी जहाँ चाहे ब्याह कर ले। ऐसे कैसे ब्याह कर ली? अरे इतना सारा रसम रिवाज, खुशी, उमंग, तुहार पियरी धोती और माई के मंगल गीत। अरे हमनी के हिंदुस्तानी है जा, शादी कौनो खेल हका?
गाजा बाजी होई खूब खर्चा, आजा बाजा गाजा बाजी होई खूब खर्चा, ओ भैया के करे के बाद शादी के चर्चा, भैया बोला ना, ए भैया बोला ना, ए भैया बोला 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 ना, पियरी पहिरी है पापा रे पापा, माथा पे बनी है साफा, पियरी पहिरी है पापा रे पापा, माथा पे बनी है साफा, ते ही तो करबे परिछावन रे माई, ते ही तो करबे परिछावन रे माई, पतोहता तुहरे पसंद के आई रे माई, तुहरे पसंद के आई, तुहरे पसंद के आई रे माई, तुहरे पसंद के आई। तोहर कहल करी सेवा टहल करी, तोहर सगरी अरमानवा समारी हो, सबके प्यार करी इज्जत दुलार करी, तरह के लंदन में होई संस्कारी हो, भैया के बात पर विचार कर तुम्हारी, भैया के बात पर विचार कर तुम्हारी, किस्मत से ही ऐसन लड़की भेटाई, साहेब बोलिए ना, मैडम जी बोलिए ना, मन से बात जात नहीं के ऐसन मिलल सी, मन से बात जात नहीं के ऐसन मिलल सी, ऐसन के मिलल जे कर तू हाय इतना कर ला तारीफ, अरे ऐसन के मिलल जे कर तू हाय इतना कर ला तारीफ, बोल कर बाड़ तू धिया बा, ए बबुनी बड़ा मन करे आई तू घरे बन के नहीं के कनिया बा, ऐसन बहुरिया ना तोहके भेटाई, जल्दी से हमनी के कर दे सगाई, पतोहता तुहरे पसंद के आई रे माई, तुहरे पसंद के आई। बेटा तू लगता मुर्दा में जान डाल दे ले जा, हमरी तो उम्मीदें छोड़ दे ले रहनी। बेटा तोहरा से का छिपावल जाए, तू तो हमनी के घर के दुल्हन बनबे करबू, हमनी अपन बड़ बेटा से बहुत उम्मीद कैले रहनी, बाकी वो हमनी के उम्मीद पर पानी फेर देलस, बाकी कोई बात नहीं, तू जल्दी से अपन मम्मी पापा के भेज दा, हम कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के पूरा हिंदुस्तानी रीति रिवाज के साथ तू दोनों के धूम धाम से शादी करब। हाँ बेटा। ज्योति ये बताओ कि हमार फैमिली तोके कैसा लागल? नाइस, वेरी आइडियल फैमिली, यू आर सो लकी, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत स्वीट है। कितना खुश बना सब लोग शादी के लेके? हाँ लेकिन 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 का? हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है, आई एम सॉरी विजय, बाय।
ज्योति, ज्योति, इतना सब भैला के बाद तू इतना आसानी से इसे बोल के चल किसे दहलू? I'm sorry विजय, तुम्हारी फैमिली ने जो हमारी शादी को लेकर इतनी इतनी उम्मीद लगाई है, इतने सपने सजाए हैं, वो मेरे पापा कभी पूरा नहीं कर सकते। मेरे पापा जो शादी को सिर्फ इवेंट मानते हैं, उनके पास इन सब के लिए टाइम ही कहाँ है। क्यों विजय, तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। मेरे पापा मिस्टर पीलाल, द सीईओ ऑफ नोविटल होटल। सर, तुम इतने दिन कहां थे? सिस्टर की मैरिज थी, उसकी मिठाई लाया हूं। शादी जैसे एक छोटे से इवेंट के लिए तुमने मेरे 5 दिन बर्बाद कर दिए। जिस व्यक्ति को मेरे काम, मेरे बिजनेस की कदर नहीं है, उसके लिए यहां पे कोई जगह नहीं है। गेट आउट फ्रॉम हियर। सर, मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूं। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। सर प्लीज गिव मी अनदर चांस। सर डोंट वेस्ट माय टाइम। सर प्लीज सर, गेट आउट। इडियट विजय, कौन नहीं चाहेगा कि तुम्हारे जैसा हैंडसम पति और एक कंप्लीट परिवार मिले। मैं बात करूंगा तुम्हारे फैमिली से। फैमिली? मेरी तो फैमिली ही नहीं है। मेरे पापा मम्मी तो साथ में भी नहीं रहते। अरे पगली, रोने का नहीं। जब प्यार किए हैं तो इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। मैं बात करूंगा तुम्हारे पापा से। हाँ, दुबई वाली कंपनी का कंसाइनमेंट देख के चेक करो और मुझे रिपोर्ट दो। ओके सर, जल्दी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे बात करनी है। मैं कोई सब्जी बेचने वाला नहीं हूँ कि कोई भी अहरा गहरा बिना अपॉइंटमेंट लिए आके मुझसे मिल ले। पहले आप अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद मुझसे मिलिए। मुझे आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। कॉल ज्योति। ओके सर। ओके, टेल मी। मैं ज्योति से प्यार करता हूं। आई वॉन्ट टू मैरी हर। तुम्हारे जैसे थॉट रखने वाले लंदन में बहुत सारे यंग मैन होंगे। क्यों कराऊं मैं तुमसे शादी? ऐसी क्या खास बात है तुम्हें? आई ऑल्सो लव हिम। भेजा तो तुम्हें दुनियादारी समझने के लिए था और तुम प्यार समझ के आ गई। ग्रेट, यू कैन गो नाउ। मुझे इनसे कुछ बात करनी है, प्लीज। देखो विजय, ज्योति मेरी इकलौती बेटी है, उसकी पसंद का ध्यान तो मुझे रखना ही पड़ेगा। तुम कितना कमाते हो, क्या करते हो, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। बस मेरी एक ख्वाहिश है कि शादी के बाद ये पूरा बिजनेस तुम्हें ही संभालना होगा। अग्री? सॉरी, मैं जहां हूं खुश हूं और ज्योति को भी खुश रखूंगा। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से बोलो कि मुझसे आके यहां मिले। रिवाजों के मुताबिक रिश्ते के लिए लड़की के पिता को ही लड़के के घर आना होता है। आपको आना होगा। ठीक है, कल मिलते हैं।
गजब कैला तू बन गईला, नजरवा के कजरवा हो। गजब कैला तू बन गईला, नजरवा के कजरवा हो। जिया लागल तमन मातल, जिया लागल तमन मातल, बना दिहलो भवरवा। छींटा हम छींटदार हो गईनी, तू दिलवा में महक गईलू, हम गुलजार हो गईनी। तू बड़ा रंगदार सवरिया, खैला बेकरार सवरिया, दीवाना भटकीले, दीवाना बन के भटकीले, हो गई हम अवरवा हो। सतरंगी इमन रंगी, रंग जागल उमंग जागल, जिया बेकल रहे हर पल, तुहर ऐसन लगन लागल। तू बड़ा चित जोर सावरिया, दिला झक जोर सावरिया, बहक जाई लहक जाई, बहक जाई लहक जाई, उड़े जब जब अचरवा हो। हाय जस्सी, कैसा था दिन? बात हुई? नो। व्हाई? मैं 1 वीक से तुम्हें कह रही हूँ और तुम इग्नोर कर रहे हो। यार जस्सी, बात को समझो, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। वो मेरे घर वाले हैं, हम घर से अपने कंफर्ट के लिए अलग हुए हैं, उन्होंने हमें घर से नहीं निकाला है। मैं कैसे उनसे कहूँ कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? लिसन अजय, आई अंडरस्टैंड, ओके, लेकिन हम अलग हो गए तो हर चीज अलग होनी चाहिए ना। और इस हालत में मैं काम कर रही हूँ, तुम्हें बुरा फील नहीं होता? यार जस्सी, मैं समझता हूँ। मैं तुमसे कब कह रहा हूँ कि तुम काम करने जाओ, तुम घर बैठो ना। घर बैठूं? इस बच्चे का फ्यूचर का क्या, हम क्या देंगे उसे? ये रेंटेड हाउस, थोड़ा तो सोचो अजय। वो मेरी फैमिली है, तुम समझने की कोशिश करो, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ उनसे। तुम्हारी फैमिली है, मेरी नहीं, ओके? What nonsense you are talking about? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। Shit! Good morning sir जी, welcome. Hi. Hi. Welcome, welcome sir. Welcome sir. Please sit. प्रणाम। नमस्ते। देखिए भाई साहब, आपकी मिसेस नहीं आई? मैं अकेले आ गया तो कोई दिक्कत है? ऐसी कोई बात नहीं। ओके, देन फॉर्मेलिटीज, बताइए आपकी क्या डिमांड है? देखिए संकोच मत कीजिए, मेरी एक ही बेटी है,
आप जितना मांगेंगे उसे दुगना दूंगा। सर चाहे मेरे पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो केवल समय, इसलिए जल्दी जल्दी बोलिए। सर चाहे। अरे रखो उधर। भाई साहब बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिए, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी हमारी। अरे पंडित जी के फोन आ गए, रहे देर हो गए सब दी। पोंगा लाल तू, हम तारा के काले रहनी ना कि दोबारा हमरा नजर के सामने आई ले तो हम तारा के चप्पल से मारब। चप्पल करे भागे तारा। रुक रुक जाइए। रुक अरे कैसा खोल में थोड़ा सा तारा के। रुक रुक पोंगा लाल हो गया। अरे पोंगा लाल रुक रुक भागे तारा चप्पल से मारा बोल ले उसे। अरे इंडिया थोड़ी है लगता है। अरे हाँ भागे ताले कैसी बात है। अरे पापा यहाँ बैठा। बेटा दिमागे नहीं के काम करत। बेटा दुनिया के कौना कोना में कौना भी लड़की से ब्याह कर, बाकी घर में तहार ब्याह ना होए दे। बेटा तू हमरा से प्रॉमिस करे। पापा रिलैक्स। ए चला पानी पिया दा। पानी पिए। लेकिन साहब जी ये एक पॉक चप्पल कहाँ गई। अरे बेटा वो चप्पल वो लेके भाग गई। चप्पल वो लेके भाग गई। पापा तू जहाँ कहबा हम उहें ब्याह करब, लेकिन ये नफरत के रीजन कहबा। रीजन आज से 25 साल पहले वो कबूतरबाजी के चक्कर में लंदन आ गेल रहे, खाना पीना के बिना ओकर हालत भिखारी जैसन हो गेल रहे। हम ओकरा पे तरस खा के ओकरा के अपना रेस्टोरेंट में नौकरी दे दी। Good morning, sir. Yeah, good morning. This Thank is you. For you, your drink, and your orders. Yeah. That's great. Thank you. Thank you, sir. Very good, very good, Pongal Lal. Carry on. Your order, ma'am. Thank you. Your drink. Thank you. Yeah, keep the change. Babuji, namaskar. अरे नमस्कार नमस्कार पोंगा लाल, आओ आओ अंदर आओ। अरे आओ घबराओ मत, अंदर आ जाओ, अंदर बुला रहा हूं। पोंगा लाल जी, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, इसलिए आज से तुम्हें इस रेस्टोरेंट का मैनेजर बना रहा हूं। कम ऑन, अच्छी तरह से काम करना। और अचानक एक दिन वो गायब हो गई, और 5 साल बाद जब हम ओकरा से मिले गई थी। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू मीट मिस्टर पोंगा। पोंगा? हाँ पोंगा। एंड अफ्रॉइड, देयर इज नोबडी हियर नेम पोंगा। हे आई एम सो सॉरी। ए पोंगा, कैन आई डू यू। अरे पोंगवा रे। नाउ हु इज पोंगा? अरे पोंगवा, अरे वीक लगा के तो तू एकदम बड़ा आदमी बन गई रे। गलत, डोंट टच माय बॉडी। ओके शशि। शशि, अरे सर बोल सर, हम तहार सर हैं। शशि सर। कौन सा सर, कैसा सर, कहाँ का सर? मैं इतना बड़ा होटेलियर और तुम एक छोटे से रेस्टोरेंट के मालिक। यू कॉल मी सर। सर, अरे तू पोंगा रहले और हमरा खातिर पोंगा ही रहबे। नो, आई एम बीएल सिन्हा, होटल नोवाटेल का मालिक। तमीज से बात करो। यू अंडरस्टैंड? आई थिंक बेटर अंडरस्टैंड। तू हमरा के तमीज सिखावता रे? अरे जी आदमी पैसा आवते ही बदल गई, वो आदमी से हमरा कौनो रिश्ता ना रखे के, और दिन भूल गई ले। अगर हम सहारा ना देले रहती तो आज तू जेल में सड़ जाते। ज्यादा धमा चौकड़ी मचाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अब तुम जेल में जाओगे। सिक्योरिटी,
अरे हम तो आई रानी तारा के बधाई देवे खातिर। बाकी तू लाइक देखे और याद रख, जिंदगी में कभी दोबारा हमरा सामने आईबे ना तो हम तुहार स्वागत चप्पल से करब। चप्पल से करब, शट अप एंड थ्रो हिम आउट। तो हमरा धक्का मार के बाहर निकाल देलन। अब तू ही बतावा बेटा, ऐसे एहसान फरामोश के घर हम तुहार ब्याह करी है ना? ना पापा आर यू ओके? देखो बेटी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए उस जाहिल के पास गया था और उसने मुझे जूते लेके दौड़ा दिया। What? हाँ, अब तू कहीं और शादी कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वहाँ तेरी शादी नहीं होगी। No, पापा, प्लीज लिसन। फाइनल। Oh shit! Yes? विजय, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ। मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है, अर्जेंट। ओके। मुझे तुम्हारे पापा से ऐसी उम्मीद नहीं थी विजय। मुझे भी तुम्हारे पापा से ये उम्मीद नहीं थी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया विजय। एक बात बताओ, हम लोग यहाँ झगड़ा करने के लिए आए हैं क्या? रास्ता तो निकाले हम लोग की अपने घर परिवार को मनाए कैसे? हाँ, तुम तो अपने पापा को मना लोगे, पर मेरे पापा को मेरी धर्मपत्नी जी, आपने तो कसम खाई थी कि कभी इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रखोगी, फिर आज ये दहलीज क्यों क्रॉस की? जरूर कसम खाई थी, लेकिन बात जब बेटी का घर बसाने की हो ना, तो आपकी दहलीज क्या? मैं तो यमराज की भी दहलीज लांग जाऊं। व्हाट? जो आदमी मुझे जूता लेके मारेगा उसके यहां मैं बेटी भी आऊंगा? नेवर। आई नो इट्स योर डिसीजन। तुम मुझे हर जगह पे नीचा दिखाना चाहती हो। वो आपके पीछे जूता लेकर क्यों भाग रहे थे ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और जहाँ तक बात है कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहती हूँ, अगर ऐसा होता ना तो कभी आपको सिंदूर बनाकर अपने माथे पर नहीं सजाया होता मैंने। उससे बेहतर 1000 लड़के खड़े कर दूंगा। लेकिन विजय जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। पर मेरी बेटी वहाँ सेफ नहीं है, वो मेरा दुश्मन है और उस पे मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। आपको तो भगवान पर भी भरोसा नहीं है। अरे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे आप? विजय और ज्योति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिंदगी जीने के लिए प्यार से जरूरी कुछ भी नहीं, वरना पैसे पैसे तो आप भी बहुत देते थे ना मुझे। लेकिन क्या हुआ, अलग हो गए ना हम? आई नो आज तक तुमने मेरी हर बात का विरोध किया है और आज भी मेरी बात का विरोध कर रही हो। ठीक है, अगर तुम लोगों ने यही डिसीजन ले लिया है तो अब मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ तो जरूर सोचिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस बार आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका अकेले का नहीं होगा, क्योंकि ज्योति सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी बेटी है। ओके। ठीक है। Thanks, Mom. छोड़ी ना जी पुरान दुश्मनी, मान जाए ना। ना। प्लीज पापा मान जाए ना। ना। हम कबो घर में अपन बेटा कभी अन्ना करब। बस अब पापा के जहाँ केहू कुछ बोलल तो ठीक ना हुई। रुक रुक मैं। पापा एकदम सही कहले, हम उ चीटर से अपन बेइज्जती के बदला लेके रहब। पर पापा उ चांस तो तू मिस कर देला। कैसे? अब सोचा,
तू बेटा के बाप माने राजा भोज फील लाइक ए किंग ऑफ इंग्लैंड जस्ट इमेजिन साहब जी गो टू ट्रांस फील गो टू ट्रांस नंदो मने मान सिंह जी जी महाराज सभा की कार्यवाही आरंभ की जाए जो आ गया महाराज राजाओं के राजा महाराजा राजधिराज महाराज शशिभूषण सूर्यवंशी नहीं नहीं यदुवंशी वंशियों के वंशी हमारे सभा में उपस्थित हो चुके हैं तो हम आज के फरियादी पोंगालाल और प्रौडी जो कि पिछले जन्म के हलवाई हैं पिछले जन्म के नौकर पिछले जन्म के सेवक जिन्होंने हमेशा चीटिंग की आज अपनी फरियाद लेकर आए हैं फरियादी पोंगालाल हाजिर हो महाराज की जय हो महाराज आपके सुपुत्र विजयराज सूर्यवंशी और मेरी पुत्री के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है और इस प्रेम प्रसंग को विवाह बंधन में बांधने की अनुमति प्रदान करें महाराज ठीक है हाँ महाराज की जय हो महाराज महाराज आप राजा हैं महाराजा हैं इस पूरे इलाके में आपके जैसा कोई नहीं आप एक बार में किसी का प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकते हैं मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है महाराज महाराज ऐसा मत कहिए आप इस विवाह को स्वीकृति प्रदान कीजिए महाराज महाराज मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा महाराज महाराज मैं आपके पैरों में पड़ा हूँ महाराज ऐसा मत कीजिए मुझे स्वीकृति प्रदान कीजिए महाराज महाराज हे फरियादी आखिर हमारे महाराज आपकी बेटी का विवाह प्रस्ताव क्यों स्वीकार करें क्यों स्वीकार करें महाराज मेरी बेटी की इज्जत और मेरे मान सम्मान की रक्षा करें महाराज महाराज इस प्रेम विवाह को आप स्वीकृति प्रदान करें महाराज मेरी मान मर्यादा का ध्यान रखें महाराज मुझे स्वीकार नहीं है हे फरियादी आखिर महाराज के सामने तुम्हारी क्या मान प्रतिष्ठा हो सकती है महाराज को स्वीकार नहीं है महाराज ऐसा मत कीजिए आप तो राजाओं के राजा हैं मैं बर्बाद हो जाऊंगा महाराज इसे स्वीकार कीजिए महाराज स्वीकार नहीं है महाराज अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ कहो इस फरियादी की बात सुनकर मुझे लगता है कि आपको अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए क्योंकि क्षमा करने वाला बड़ा होता है महाराज आखिर हमारे राजकुमार की भी खुशी इसी में है इस फरियादी की बेटी के साथ हमारे राजकुमार का विवाह स्वीकार कर लीजिए ठीक है मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो बताइए महाराज कौन बड़ा बड़ा चल गई लेखा बाप सारे पापा ए पापा पापा हम बड़ा तनी सोचा पापा पैसा तो बहुत छोट चीज बा ऊ तोहके अपन बेटी दे रहल बा हमेशा तोरे सामने झुक के रही अब इंसल्ट के बदला इसे बढ़िया का हुई ठीक बा हम तैयार बानी बाकी ई बात के ध्यान रहे कि वो हमेशा हमरा से नीचे रही डन सॉरी मैं जहां हूं खुश हूं वो आपके पीछे जूता लेकर क्यों भाग रहे थे ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं भाई साहब बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिए लेकिन विजय जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा तुमसे मिलना चाहता हूँ ऑफिस आ जाओ ओके हम बड़ा विजय तुम्हें यहां बुलाने का मेरा एक खास मकसद है यदि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो इन पेपर्स पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे क्या है ये प्री मैरिटल एग्रीमेंट है हिंदुस्तान में तो इसे कोई कोई इस्तेमाल करता है लेकिन विदेशों में ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है
इसका मतलब यह है कि अगर मेरी बेटी शादी के बाद तुमसे खुश नहीं रह पाती तो तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों आ गए? मतलब आपको हमारे प्यार पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है, हर लव स्टोरी का जो अंत होता है वह बहुत ट्रेजेडी होता है। और वैसे भी तुम्हारे पिता की मुझसे दुश्मनी है, मैं अपनी बेटी की सेफ्टी चाहता हूं। अगर मैं साइन नहीं करूं तो? फिर तो जिस डाउट के लिए मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं वो बात ही प्रूफ हो जाएगी। आपको भी एक वादा करना पड़ेगा, ज्योति की शादी में आपकी जहां जहां जरूरत पड़ेगी आप अवेलेबल रहेंगे। जिस बेटी के बारे में मैं इतना सोचता हूं वो तो मैं करूंगा। व्हाट अ सिली प्रॉमिस, क्या तुम्हें इसका भी एग्रीमेंट चाहिए? नो नो, आपको कागज पे भरोसा है और मुझे आपकी जुबान पे। और ध्यान रहे, इस एग्रीमेंट की बात हमारे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए, ज्योति को पता नहीं चलनी चाहिए। गायत्री जी। ओह, सुमित्रा जी। जी नमस्ते। नमस्ते, ये आपके लिए। ओह थैंक यू। आइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। ज्योति अक्सर बहुत तारीफ करती है आपकी, और वाकई में बहुत अच्छी हैं आप। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको पता है मैंने आपको बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा, एक्चुअली मैं भी आपसे मिलना चाह रही थी। हाँ आपको तो पता ही है उस दिन जो भी हुआ, उस दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्या मैं नहीं जानती कि हमारे पति कैसे हैं? और फिर मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे पतियों की लड़ाई में हमारे बच्चों का नुकसान ना। लेकिन जिस दिन से मेरे पति आपके घर से आए हैं ना, वो तो इस जिद पे अड़ गए हैं कि अब वो शादी की पहल अपनी तरफ से तो नहीं करेंगे। मेरे पति का भी यही प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि पहल वो ना करें। तो गायत्री जी, ऐसे में हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब क्यों ना हम इनका मूड स्विच हो से पहले अपने बच्चों की एंगेजमेंट तय कर दे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो मैं पंडित जी से डेट निकाल कर आपको कॉल करूं? हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। डन डन, समधन जी गले लग जाइए। आइए चलिए। आइए नमस्ते जी। आइए। पापा, हाँ? आपके घुटने में दर्द है ना? हाँ। पंडित जी, पापा क्या आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं ना? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, थैंक बैठ सकते हैं। बैठ जा। कन्या को बुलाइए, जाके बेटी को बुलाइए। जी, मैं अभी लेकर आती हूँ।
कुर्सी पे क्या बैठ गया, अपने आप को मुझसे बड़ा समझने लगा है। पंडित जी जल्दी से पूजा शुरू करें। हाँ, आपको भी धोती कुर्ता पहन लेना चाहिए, ये वस्त्र मांगलिक कार्यों में उचित नहीं है। पंडित जी, इन कपड़ों को पहन के पूजा करने में क्या दिक्कत है? बेटा ओके ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। तुम्हें धोती पहनाना आता है? पहनाने ही तो आए हैं। ठीक है, चलो चलो पहनाओ। चलो पहनाओ। ऐसे कैसे पहना है? पैंट खोलिए। अरे पैंट खोलिए, पैंट के ऊपर से पहनाओ ना। पैंट के ऊपर से नहीं पहनते, पैंट खोलना पड़ता है। चल मुंह उधर कर। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आपका एक जैसा है। तौलिया लगाओ। अच्छा ठीक है, लगा लेते, चलिए। चलो पहनाओ। ऐसे कैसे पहना है? पकड़िए इसे। ठीक है, अब एक एक करके पैर डालिएगा। हाँ। दोनों डालिएगा तो गिर जाइएगा। हाँ, फिर हमको मत बोलिएगा, गिरा दिया। ए, ये क्या किया तूने? MMS, आपका वीडियो शूट किया है सर। अरे, लेकिन ये बहुत गलत है, बहुत गलत है ये। सर आप आगे से गलती ना करें, इसलिए इस गलती का होना गलत नहीं है। अरे मतलब? मतलब सब ठीक है। पंडित जी शुरू कीजिए जल्दी। हाँ, इनके सर पे कपड़ा रखवा दीजिए। अच्छा। नंदू जी आवा। हाँ। हाँ, कपड़वा रख दा तो। ओम अपवित्रम पवित्रवा सर्वस्थान गदो व्यहस्मरेत पुंडरीका सभ्यांतर सुचि। ओम स्वस्तिरो इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिनो पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनस्तक्षर्यो अरिष्टनेमी स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। पकड़िए इसे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। वरक्षा संपन्न हुआ। ला बबुआ पहना दा बेटा। मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तो काफी है। मेरी आदत हो दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझ
मुझसे ही सांस आती है। जीने के लिए तो काफी है, जीने के लिए तो काफी है। आपके लिए। थैंक यू सो मच दा, प्लीज समझे जी, ये आपके लिए। थैंक यू जी। जजमान, रिवाज के अनुसार आपको भी लड़के वालों को कुछ द्रव्य या वस्त्र दान देना चाहिए। अरे जाय दी पंडित जी, ये लोग वीआईपी बाड़े, ब्याह के रस्म रिवाज ना मालूम होई। अरे क्या आप भूल गए, आप कल ही तो शॉपिंग करके लाए थे ना सबके लिए। फिर अब मैं देती हूँ, ये लीजिए। थैंक यू। ये भी समधी जी, ले लीजिए। अब जी लेना, आप ही के लिए है। एक रो रख दो हर। बेटा बहुत बढ़िया फैमिली है विजय की, तुम बहुत खुश रहोगी। गॉड ब्लेस यू बोथ। लव यू मॉम। थैंक यू सुमित्रा। थैंक यू फॉर व्हाट? उस इडियट के सामने मेरी इज्जत बचा ली तुमने। मैंने आपकी नहीं, बेटी के बाप की प्रेस्टीज रखी है। कमेंट करना नहीं छोड़ोगी तुम? ये तो सामने वाले की सोच पे डिपेंड करता है कि कहे गए सेंटेंस का वो क्या मतलब निकाले। और वैसे भी औलाद में तेरा मेरा जैसा कुछ नहीं होता, औलाद तो हमारी होती है। अपना ध्यान रखना बेटा, बाय। थैंक यू मॉम। टेक केयर। हाँ बेटा, तार ब्याह में हमरा बहुत मजा आ रहल बा, ऐसन लगाता जैसे हम अपन गांव में बनी हो जाए। हाँ बहुत कहले नहीं मजा ले, मंदिरे जाके कार्ड चढ़ा दें। हाँ चली। पापा मंदिर में कार्ड तो ज्योति के पापा के भी चढ़ावे के चाहिए। हाँ समधी जी कहले रहनन। फोन लगाओ। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। नाउ आई हैव डिसाइडेड टू एक्सपेंड माय बिजनेस अक्रॉस द कंट्री। Excuse me. हेलो, अरे कहाँ बड़े रे? मैं अभी मीटिंग में हूँ, फ्री होके फोन करता हूँ। अरे लेकिन बेटा फोन काट दे रहा है। फिर लगाओ। So let's come to the point. नवी, अरे पुंगवा फ्रॉडिया, हाँ ऑफिस में मरेगा कारे, हाँ नास्तिक आदमी हो गया है। तुमको मालूम है ना कि मंदिर में जाके कार्ड चढ़ाना है। देखिए मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूँ, मैं मीटिंग में हूँ और मेरे पास बहुत सारे काम है, और जब मैं खाली होऊंगा तो फोन करूंगा। अरे लेकिन सब फिर काट देलस। पकड़ो इसे। जी। So what I want to say, फिर लगाओ। हाँ। दिमाग खराब हो गया होकर। बेटा फोन के स्विच ऑफ कर देलस। अच्छा चला चला चला, चला। बेटा नाउ वी हैव टू
वर्क वेरी हार्ड। पंगवा, यू गॉट माय पॉइंट? पंगवा रे, ये चुप के बैठा है तू? अरे ये क्या पागलपन है? पागलपन है, बहुत बिजी है तू। हमारा फोन काहे नहीं उठाता है रे पंगवा? अरे मंदिर में कार्ड बांटने जाना है, पता है रे तुमको? अरे तुम देख नहीं रहे हो कि मैं मीटिंग में लगा पड़ा हूँ? तुम्हारी तरह निकम्मा हूँ क्या? निकम्मा? हम निकम्मा है पापा। काहे इतना परेशान हो रहे हैं? इनका वीडियो दिखाइए ना। हाँ बेटा, एक मिनट, अभी होश ठिकाने पे आ जाएगा जब नंगा पुंगा वीडियो दिखाएंगे। ये देखो। अरे अरे क्या कर रहे हो? एवरीबॉडी प्लीज लीव, मीटिंग इज ओवर। थैंक यू वेरी मच, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। ससुर जी लड़की के पिताजी हैं, परेशानी तो उठानी पड़ेगी, तो चले आइए। चलिए चला। पंडित जी शादी के कार्ड बा। ओम साई राम। जय हो साई बाबा की। ओम त्वदीयं वस्तु गोविंदः तुभ्यं एव समर्प्य। भगवान आपका मांगलिक कार्य निर्विघ्न पूरा करें। समधि जी पहला कार्ड रहुआ के। एक एकर घर बा भैया के। प्रणाम भैया। खुश रहा बाबू। बाबूजी माई। खुश रहा। आई बाबूजी आई। रुक ए जी, चले ना भीतरे। ना जौना दिन ही हमारा घर से निकल गई रहे, वही दिन हमार दिल से भी निकल गई। ठीक बा, रवा बाप बानी, रवा ही कर सके नी, बाकी हम माई बानी, हम ही ना कर सके नी। हम जाता नी, चला चल। जस्सी देखो कौन आया है। बेटा ये विजय के शादी का कार्ड है। वैसे तो अपनों को इनविटेशन नहीं देते हैं क्योंकि तुम लोग घर से दूर हो, पर बेटा तुम लोग घर से दूर हो हमारे दिल से नहीं। ये लो, शादी में जरूर आना, अपना ख्याल रखना। भैया शादी में आपको आना होगा, तू ना ही बता अच्छा ना लगे। भाई माई बाबूजी अभी भी उमान जी हैं, बस तू दुल्हन के लेके घरे आ जा। बेटा शादी में परिवार अधूरा ना लगे के चाहे। चला चला। फिर इस चिरकुट का फोन आ गया। हाँ बोल। और फ्रोडिया मेरे फोन से तेरे में फायर क्यों जल जाता है बे? सुन, कल तिलक है। तिलक? पहले एंगेजमेंट, फिर कार्ड बटाई, और अब तिलक? इन सब के लिए फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम तो तेरे बाप को भी निकालना पड़ेगा बेटा। अरे समझ गया बात, तेरे कहने का मतलब। तिलक, अरे पहले तू ये बता तुझे कितना पैसा चाहिए। तेरी औकात मुझे पता है, और जैसे ही तू मुझे अपना अकाउंट नंबर देगा तेरे अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। अब चल फोन रख। अरे पर ससुर का नाती बेटा फोन में कार्ड देलस, बुझाता कि हमने के सारा प्रोग्राम चौपट करी। पापा तू चिंता मत कर, कल तिलक भी चढ़ी, अपुंगा लाल भी आई है। आई एम सॉरी, आई एम 5 मिनट्स लेट। लेट वी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ है बाकी लोग? सर। हेलो। Congratulations, Mr. Pongalal. I heard about your daughter's marriage. Meetings can be scheduled for another time, but marriages are more important. Okay, thank you. Sir. Yes, Mr. Johnson. What about meeting? आपके दामाद का फोन आया था। आपकी
आपकी बेटी की शादी है ना. Enjoy your daughter's wedding. We'll finish our meeting later on. Anyway, Mr. Lal, your son-in-law is a gentleman. Okay, thank you. विजय आया था क्या? Yes, sir. क्या पूछ रहा था? आज के शेड्यूल के बारे में पूछ रहा था सर. तुमने क्या बोला? मैंने सब बता दिया सर. पर क्यों बता दिया? सर मुझे लगा आपका दामाद है सर, तो मैंने बता दिया. Shit. चलो कैंसिल मीटिंग. अरे सब बढ़िया हो जाए, हम बहुत खुश बने. अच्छा मोबाइल देखा, वो वाला भी मिल गई. हाँ, हाँ. सुमित्रा जी. अरे हम जाता नहीं. हाँ जाए जाए. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. आइए ये हमें दे दीजिए जी. हाँ प्रणाम प्रणाम. नमस्ते नमस्ते. लाई रख दी. वहाँ रख दी जी. आप आइए हम बैठिए. हाँ उन्हें बैठ जाए, उन्हें बैठ जाए. जाए उन्हें रख दी. जा रख दी. आए आए. हाय. हेलो. प्रणाम प्रणाम. नमस्ते. ओके जी जी बिल्कुल. उन्हें बैठ जाए. अरे नंदू जी. जी साहब जी. सब तैयारी हो गई ना? और कौन चीज की? अरे तिलक के बाद वाला तैयारी. ओकर तैयारी बिल्कुल टनाटन बा. चिंता करके कोनो जरूरत नहीं की. ठीक बा ठीक बा. उन्हें संभाला. उधर चले जाओ. हाँ सर. अरे समधी जी. वेलकम वेलकम वेलकम. का हो पोंगालाल, नंगा होके के डर से पहले ही से धोती पहन के आइल बड़ा. जाओ ने बैठा बैठा. जाता नहीं. अब मजा आई. अब आई ऊंट पहाड़ के नीचे. तिलक का शाब्दिक अर्थ होता है वर वरण. वर यानी श्रेष्ठ पुरुष और वरण यानी स्वेच्छा से उसका चयन करना. हिंदू धर्मानुसार जो पुरुष सृष्टि के निर्माण के कार्य में सर्वश्रेष्ठ होता है, पुत्री के पिता पुत्री हेतु उस पुरुष का तिलक करते हैं. तो अब आप इनका तिलक समारोह करेंगे. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. यजमान यहाँ पर ये तिलक समारोह संपन्न होता है. अब एक दूसरे को प्रणाम कीजिए. हो गया तिलक. हो गई तसल्ली. अब बताओ कि सब सूखा सूखा चलेगा कि कुछ है? अरे पोगा, इंतजाम तो ऐसा किया हूँ कि देखोगे तो तुम्हारा पोगा बच जाएगा. तो दिखाओ ना. तो देखो. के जब पहरे ली हम ड्रेसी करिया, कह रुक जाला हमारा पे बब तोहर नजरिया. सज धज के जब पहरे ली हम ड्रेसी करिया, कह रुक जाला हमारा पे बब तोहर नजरिया. पीछे पीछे हमारा के हाँ के करन समय बर्बादी, कजरा कमल करवाती, कजरा के ललिया मरनी के चलिया जान हो बोली चलवा दी. कजरा कबल करवा दी, कजरा कबल करवा दी. चल रास्ता दे
एक तुम्हारियाँ किसी पतली गली से निकल जा, तेरे जैसे कितने मैंने देखे है अब भी वक्त संभल जा। बड़ा तरसा हूँ मुझको प्यार दे रे बेबी जिंदगी ये मेरी तू सवार दे रे, सुट्टा तेरे इश्क का फूंक लिया अब चाहे जो खुमारी वो उतार दे रे। ये है उमर हाँ सिंगार के तो कर बेकराब, मेकअप लगा के रूप हम संवर बेकराब। अब कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ भी होगा शादी के बाद होगा। नो 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 आर्ग्यू। चलिए सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, अब मैं भी चलती हूं। सुमित्रा शादी तक रुक जाती तो अच्छा रहता। मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे ऐसे रोकेंगे, बस इसीलिए कपड़े लेकर भी नहीं आई थी। कपड़े की चिंता छोड़ो, कपड़े तो मैं मार्केट से ले आऊंगा। सुमित्रा चले। Who was it? मम्मी का फोन था। क्यों कॉल किया? पूछ रही थी कि कल शादी में कब आ रहे हो। I'm sure तुमने बताया होगा कि हम नहीं आ सकते। जस्सी ऐसे ओकेजन पे तो हमें जाना ही चाहिए, आफ्टर ऑल वो भी तो हमारी फैमिली है। बुलशिट फैमिली, थोड़ा सा प्यार से क्या बात कर दिया, तुम तो पिघल गए। जस्सी माइंड योर लैंग्वेज, इनफ इज इनफ, आई एम योर हस्बैंड। ओ हेलो, तुम हस्बैंड हो तो क्या, इसका मतलब तुम जो भी बोलोगे मैं सुनती नहीं आऊंगी, समझे? देखो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया हूं, तुम्हें शायद पसंद आएंगे। देखना या पसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता, आप मेरे लिए लेकर आए यही बड़ी बात है। नमस्कार समझी जी, बताइए कैसे आना हुआ? अरे पोंगा, अरे जब तू हमरा के समझी जी बोलिए देला, ताज से हमू तहरा के समझी जी बोला वा। देखा केकरा मिलावे लाइल बानी, तहार समधन जी। चुप रही, हमके मिलावे आयल बानी की कि यहाँ पर समधन से मिले आयल बानी। खैरी सब बात छोड़ा, काल बियाह बा, अब बियाह से पहले बहुत सारा रस्म रिवाज होला। हूँ का तरह तो कुछ आवेला ना, तो जिंदगी भर पैसा के पीछे भागला। हाँ अब जैसे जैसे समधन जी बोली है वैसे वैसे करत जा। जी समधन जी, जी। बताइए कैसे क्या करना है। We'll be right back.
सरनी जी के लगा रहा है। सरनी जी तू लगावा उनके। तो फिर मैं भी आपको लगाऊंगा। अभी लगा दे ना। अब कहाँ जाएंगी? बस बस। आज आपके अपने भैया के भी देख, बहुत अच्छा भाई, और उन दोनों के भी देख। हाँ माँ, एकदम बढ़िया। माँ, बाबूजी, खुश रहा। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नंदू, माफ कर दो मुझे। अरे ना, हमने के माफ कर दा बाबूजी, हम के माफ कर दा माई। ए जी, हम कहले रहनी ना, आज है अपन दुल्हन के लेके जरूर आई, देखा आ गेल। ए जी, माफ कर दी ना। अरे भाई, हमार बेटा बहु बड़न माफ कर देनी हाँ। अरे ब्याह शादी में बेटा बहु साथ होके के चाहिए। अब बैठ जा बेटा, बैठ जा। बैठिए ना भाई, वहाँ बैठा आराम से भाभी। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तक्षर्यो हरिष्ठनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो यजमान, पूरे ब्रह्मांड में शास्त्रानुसार जो कन्या का दान होता है वो सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। तो आज आप अपनी लक्ष्मी स्वरूप पुत्री का हाथ नारायण स्वरूप वर के हाथ में देने जा रहे हैं। इसी विधि को कन्यादान कहते हैं। और यजमान, आप अपनी होने वाली इस लक्ष्मी स्वरूप पत्नी को सभी देवी देवताओं और स्वजनों की उपस्थिति में जीवन भर साथ निभाने, सदा सम्मान करने और उसके साथ कभी न छल करने का वचन देंगे। तो अब आप अपने हाथ में वर का हाथ लीजिए और अपनी पुत्री का हाथ भी रखिए। नमस्तुते नमामहे श्री पूजे सुर पूजते शंकर चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शारण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गजाननम भूतगलादि सेवितम कपित जंबु फलचार भक्षणम उमाशुदम शोक विनाश कार्यक्रम। अरे यजमान, कन्यादान के मंत्रोच्चारण के दौरान विवाह के मंडप से उठना उचित नहीं है। का भइल बेटा? हम के कुछ कहे के बा बाबूजी? बेटा, कोई भी बात बाद में भी कर सकेला ना? ना माई, आज अगर ये बात हम ना बता पाई तो तोहनी और ज्योति के साथ साथ हम खुद के नजर में जिंदगी भर खातिर गुनाहगार बन जाए। ऐसी कौन सी बात विजय? शादी तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना? सॉरी सर,
आपसे किया हुआ वादा इस मंडप में मुझसे नहीं निभाया जा रहा। वादा? कैसा वादा? हमने की सगाई से पहले ही यहाँ के तलाक पेपर पे साइन करा ले बानी। शादी से पहले तलाक? हाँ बाबूजी, हमने के प्यार पर यहाँ के भरोसा ना रहे, यही से सगाई से पहले शर्त रख देनी कि तलाक पेपर पे साइन करो तो हम आप सबकी खुशी सोच के साइन कर देनी। ज्योति, हम समझ सकता नहीं कि ये समय तो पे कहा गुजरत हुई, लेकिन हम अपना माया बाबूजी की खुशी खातिर तलाक जैसे घटिया पेपर पे साइन कर देनी, भूल गए नहीं कि हमने के धर्म और शास्त्र में तलाक डिवोर्स जैसे कोनो शब्द रीति रिवाज नीखे बनल और ना ही कोनो मंत्र, बल्कि हर मंत्र में संबंध जोड़े के बाद बा तोड़े के ना। अभी से पहले तू हमार प्रेमिका रह लो, हमार प्यार ज्योति, लेकिन पंडित जी के एक एक मंत्र से एहसास भइल कि पूरा समाज जल अग्नि वायु और ईश्वर के साक्षी मान के एगो साधारण लड़की के लक्ष्मी के रूप दिया जाला, ओकरा साथे हर सुख दुख में रक्षा करे के वचन दिया जाला। अब तू ही बताओ ये वचन हम कैसे ली, हमके पता बा आगे का होके वाला बा, हमके माफ कर दा ज्योति, माफ कर दा। विजय, विजय माफी तुमको नहीं मांगनी चाहिए, माफी तो मैं सभी परिजनों से माफी मांगता हूं, गलती मेरी है, मैं ठहरा एक बिजनेसमैन, हमेशा हर चीज को बिजनेस की नजर से देखता रहा, मुझे लगा तुम्हारा विवाह हो जाएगा, शादी मेरे लिए एक इवेंट एक समारोह था, लेकिन मैं गलत था, ये रस्म रीति रिवाज जो थे इनको निभाने के बाद मैंने महसूस किया, मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत हूं, वेद मंत्र आहुति इन सब का मतलब तो मैं अब समझा, और बेटा तुमने मुझे जीने का तरीका सिखा दिया, रिश्तों के महत्व को बता दिया, तुम सच्चे थे, तुम्हारी सच्चाई ने यह साबित कर दिया, रिश्ते कागजों पे नहीं होते, रिश्ते तो दिल की गहराई में जाके बनते हैं, बेटा आज इस बड़े समाज में
मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी बेटी को तुम जैसा पति नहीं मिल सकता और मुझे तुम जैसा दामाद नहीं मिल सकता। और इन कागजों का कोई मोल नहीं है, इन कागजों का कोई मोल नहीं है बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा गुनहगार तो हूं ही, साथ में सुमित्रा और ज्योति बेटा तुम्हारा भी गुनहगार हूं। ए पोंगा, मुझे मेरे बेटे पर गर्व है, माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। इतना बड़ा राज छुपाकर सिर्फ सॉरी बोलकर जा रहे थे? बोलो क्या चाहिए? उम्र भर का साथ। तेरा मिलना ही सब कुछ, ना कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, ना कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। मेरी आदत हो दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए जीने के लिए तू काफी है। जागल उमंग जागल, जिया बेकल
रहे हर पल तुहर ऐसन लगन लागल तू बड़ा चित जोर सावरिया दिला झक जोर सावरिया। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।